अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें हमने प्रूव करना है, इसका हम फर्स्ट पार्ट करेंगे वो है हमारे पास 81 into 100 is equal to 81 under root multiply by 100 under root। आपने ये सॉल्व किस तरह करना है कि सबसे पहले आपने लेनी है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है 81 into 100। सेम स्टेप आपका सेम होगा, 81 का एलसीएम लें, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। नेक्स्ट है आपके पास 100 का एलसीएम, 2 5s are 10 0, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 5 5s are 25, 5 1s are 5। अब आपने क्या करना है, पेयरिंग फॉर्म में लिखना है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 5। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, स्केयरिंग फॉर्म में लिखे 3 स्केयर इंटू 3 स्केयर इंटू 2 स्केयर इंटू 5 स्केयर। स्केयर अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बाकी वैल्यूज आपके पास रह जाएंगी 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई, 3 3s are 9, 9 2s are 18 एंड 18 5s are 5 8s are 40 और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 90। ये भी आपके पास आई है लेफ्ट हैंड साइड। अब आप करेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, अंडर रूट 81 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 100। इसको आप सेपरेटली लिखें, सेपरेटली लिखने के पहले फैक्टर्स बने हुए हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मल्टीप्लाई 100 के फैक्टर्स हैं आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। पेयरिंग फॉर्म में लिखें 3 स्केयर इंटू 3 स्केयर इंटू 2 स्केयर इंटू 5 स्केयर। अब आप क्या करेंगे, स्केयर अंडर रूट कैंसल, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90। आपके दोनों वैल्यूज क्या आई हैं, सेम। हैंस प्रूव्ड दैट